आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती तूफान असानी तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा की ओर से तेजी से बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम की मार इस बार गेहूं की फसल पर पड़ रही है। एडवांस में गर्मी पड़ने के कारण दाना सिकुड़ने से प्रति एकड़ झाड़ में कम से कम 5 क्विंटल का अंतर आया है। ऊंचे भावों में लिवाली का अभाव बना होने से इन दिनों बिनौला खल में गिरावट का रुख देखा जा रहा है। यही कारण है कि 2-3 सप्ताह के दौरान बिनौला खल में 200 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई है। महाराष्ट्र के चना उत्पादक किसानों के लिए खुशखबरी है। चना के MSP पर खरीदी जारी है। MSP में चना खरीदी की सीमा को हटा दिया गया है। अब किसान 5 क्विंटल से अधिक चना भी MSP पर बेच सकेंगे। ये बदलाव महाराष्ट्र के सोलापुर, वाशिम और औरंगाबाद जिले की खरीदी सेंटर में किया गया है। डॉलर के मुकाबले रुपए में आज भारी गिरावट आई है। शुरुआती कारोबार में रुपए लुढ़क कर 77 रुपए 28 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर आ गया है। कमजोरी और महंगाई की चिंता से रुपए 77 रुपए 6 पैसे के स्तर पर खुला और डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड 77 रुपए 31 पैसे पर फिसल गया। कॉटन यार्न की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से गारमेंट निर्यात प्रभावित होने की आशंका पैदा है। गारमेंट निर्यातकों के मुताबिक यार्न के दाम में पिछले एक महीने में 10% तो पिछले 18 महीनों में 100% तक का इजाफा हो चुका है। इससे गारमेंट निर्माण की लागत बढ़ रही है और उनकी प्रतिस्पर्धा क्षमता प्रभावित हो सकती है। राशन कार्ड धारकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी कि PMGKAY को लेकर एक बड़ी खबर है। देश के कुछ राज्यों में भारी रबी सीजन में गेहूं खरीद में गिरावट नजर आई है, जिसके चलते केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कुछ राज्यों में गेहूं आवंटन को कम कर दिया है। साथ ही देश के कुछ राज्यों में मुफ्त में गेहूं विपणन न देने के आदेश भी जारी किए हैं। बीते सप्ताह विदेशी बाजारों में खाद्य तेलों के दामों में गिरावट रही है। ये 100 से 150 डॉलर नीचे आ गया है। इसी की वजह से देश भर के तेल तिलहन बाजारों में लगभग सभी तेल तिलहनों के भाव नुकसान का रुख प्रदर्शित करते हुए बंद हुए। गर्मी के कारण मांग कमजोर होने से भी गिरावट बढ़ गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अनुमान है कि अक्टूबर में देश में प्राकृतिक गैस के दाम फिर बढ़ सकते हैं। वैश्विक स्तर पर ऊर्जा कीमतों में वृद्धि का लाभ कंपनी के गैस अन्वेषण व्यवसाय को मिल रहा है। दिल्ली NCR में पारा चढ़ने लगा है और इसी के साथ गर्मी का सितम भी बढ़ गया है। धूप निकलने की वजह से अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से ज्यादा 40.4 और न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी देखी जाएगी। तो आज कम्युनिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों में बस इतना ही, और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। के ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।